रेवन्यू नूं थल्ले बह के डिप्टी कमिश्नर साहब ने देखना हुंदा, मगर मैनू मेरी मेल ते पांदा, मेरे उत्ते पांदा, तुरंत उत्ते भी जिहड़ा अफसर नहीं उहदा ख्याल कर रहा जां उहदे च उह भाई भतीजावाद कर रहा जां राजनीतिक तौर दे उत्ते देख रहा कोई। देखो जिहड़ी राजनीतिक व्यवस्था हुंदी उह इस करके हुंदी है, पंच सरपंच एम सी कौंसलर प्रधान मेयर जो भी है उस करके लोगों को राहत देने लई आ, उह तड़ेबंदी लई नहीं हुंदी। तो इस करके निश्चिंत रहो, कोई इदा केस आऊगा वो तो डट के और वो अफसर अफजाना भी देना पाऊगा। अच्छे इंतजाम है, डिप्टी कमिश्नर साहब खुद देख रहे हैं। इस वेले साढ़े एक बड़ी अच्छी गल है कि मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन में अपने डिप्टी कमिश्नर जिहड़ा हुंदा शहर दे विच उहदे अधीन सारी व्यवस्था चलती है और सारे नूं मुख्यमंत्री जी का आदेश है भी ग्राउंड लैवल जीरो ते जाके तुसीं हरेक चीज़ के उत्ते निगाह रखनी है। साढ़े ऑफिसर साहबान क्योंकि यंग भी है डेडिकेटेड भी है, ये बड़ा अच्छा इंतजाम देखते रहेंगे दे, खुद देख रहे हैं। तो पहले तो कई भी सरकार भी सुतियां रहिंदियां सी, तो फिर थले जो सरकार सुती है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी ना सुती रहिंदी, मैं गल कह सकदा तुहानू दावे नाल। लेकिन अज पिछले साल तकरीबन 2,46,000 क्विंटल की खरीदो फरोखत हुई सी, अज हुण तक इत्थे 500 क्विंटल की शुरुआत की खरीदो फरोखत चालू हुई है। 2,125 रुपए का रेट है सरकार का और किसी नूं कोई किसी किस्म की तंगी सरकार वालों नहीं है। पहली सरकार सी जिन्हें आंदे पिछली बार लोगों के खातों के पैसों लिए एक मिनट की देर नहीं सी हुई, चाहे वह कणक की खरीद सी झोने की खरीद सी। और वड्डी गल मैं तुहानूं दसणी चाहना, अज खराबे की गल हो रही सी, बेमौसमी बरसात हुई, गड़ेमारी हुई, साइकलोन आया कुछ एरिया 2019-20 खराबा होया फजिलका डिवीजन च, लोग तरसते रहे, एजीटेशन से बैठे रहे, फार्मर जथेबंदियां बैठिया रही, किसी ने थो नहीं पुछी उन्होंने बड़िया बड़िया इलैक्शन को आके घोषणा कीतियां, हो गया जी 101 घोषणावां कीतियां, एक घोषणावां ने कुछ नहीं होंदा। मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने वो जिहड़ा तकरीबन 150 करोड़ रुपया चाहे लोगों के घर का सगा चाहे जिमीदारा का सगा खुद अपने घर कमलों में जाके, मैं भी उत्थे जाने का मौका मिले मुख्यमंत्री जी शामिल होने का, क्योंकि नैचुरल डिजास्टर महकमा भी मेरे को उन्होंने मे जिन कहते हैं उन्होंने मैनू दिता है। सो बड़ा आप उत्थे जाके लोग हैरान रह गए कि असं 3-3 साल तरसते रहे और जाके कि ड्यूटी सरकार ने समझी है। इदा ही जो ये ऐतकी भी है जोड़ा हूँ मौका सगा जो जोड़े इलाक बहुत ज़्यादा नुकसान होया, मुख्यमंत्री जी ने उसी वेले कहता कि 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट भी लवेंगे गदावरी की और लोगों के खाते पैसे, हरेक डिप्टी कमिश्नर के खाते के 50 लाख रुपए की राशि उसी वेले पाती गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी को आपता है वो शुरुआत अच्छी एक शुरुआत कर सके। और हाँ जी टीचा कितना रखा गया? टीचा तो 450 करोड़ रुपया पंजाब के 2.5 करोड़ रुपया होर आ चुका और 450 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने जारी किया पंजाब के लिए। एक वड्डी लोगों के नाल मुख्यमंत्री जी का वादा, आम आदमी पार्टी का वादा, अरविंद केजरीवाल साहब का वादा, भगवंत मान जी का वादा, उन्होंने सरकार के MLA साहबान का वादा, उन्होंने पूरा करने मुख्यमंत्री जी कोई होर कसर नहीं छोड़ी। जी गिरदावरी की गल करिए कई पिंडों के जो संबंधित अफसर माल महकमा थोड़े को माल महकमे के अधिकारी जाते हैं जो पिंड के नंबरदार आ जां सरपंच आ वो अपने चहेतियां की पहल के आधार पर गिरदावरी करवा रहे हैं। बहुत सारे पिंड आ रहे हैं कि साड़ी कणक की फसल पूरी तरह तबाह हुई है, उन्होंने गिरदावरी नहीं करवाई जा रही। देखो कोई जिहड़ा इदां दा केस उचेचे तौर पर डिप्टी कमिश्नर को पहुँचना चाहिए, उन्होंने अपना जाके डिप्टी कमिश्नर साहब 9 बजे तो लैके शाम तक बहिंदे आ, उन्होंने नोटिस कोई गल लिआंदी जाए मेरी गल समझ, क्योंकि रेवन्यू नूं थल्ले बह के डिप्टी कमिश्नर साहब ने देखना हुंदा, मगर मैनू मेरी मेल ते पांदा, मेरे उत्ते पांदा, तुरंत उत्ते भी जिहड़ा अफसर नहीं उहदा ख्याल कर रहा जां उहदे च उह भाई भतीजावाद कर रहा जां राजनीतिक तौर दे उत्ते देख रहा कोई। देखो जिहड़ी राजनीतिक व्यवस्था हुंदी उह इस करके हुंदी है, पंच सरपंच एम सी कौंसलर प्रधान मेयर जो भी है उस करके लोगों को राहत देने लई आ, वो तड़ेबंदी लई नहीं हुंदी। तो इस करके निश्चिंत रहो, कोई इदां दा केस आऊगा वो तो डट के और वो अफसर नूं उहदा अफजाना भी देना पाऊगा।